दोस्तों, दाऊद कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं परवेज, आज हम सीखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन टैली में। देखो, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में क्या करते हैं, अकाउंटिंग फीचर में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस कर लेंगे। यूज एडवांस पैरामीटर, इसको यस कर लेंगे। इसके माध्यम से हम इसमें ब्याज लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं पैसा जमा कर रहे हैं, ये कहीं पे किसी उधार ले रहे हैं या किसी को उधार दे रहे हैं, तो उस पर ब्याज लगा सकते हैं, है ना। उसके लिए एंट्री होती है। तो इसमें क्या, हम जैसे एक बैंक का लेजर बना रहे हैं, मान लीजिए हम बैंक में जमा कर रहे हैं, जैसे बना लिया हमने देना बैंक अंडर बैंक अकाउंट। करेंसी ऑफ लेजर RF, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यूज करें। अब इसमें आ गया इंटरेस्ट, यानी बैंक का क्या रेट है। जैसे हम लेना चाह रहे हैं कि बैंक हमें 11% ब्याज दे रहा है कैलेंडर ईयर पे, साल का, ऑल बैलेंस पे, क्रेडिट बैलेंस पे या डेबिट बैलेंस। तो देखो, क्रेडिट बैलेंस पे तब करेंगे हम जब हम उधार लेंगे। यहाँ पे हम उधार ले नहीं रहे हैं, पैसा जमा करेंगे इस बैंक में, तो हम डेबिट बैलेंस। अच्छा, एप्लीकेबल फ्रॉम, यानी कब से एप्लीकेबल करना आपने, हमने क्या 1 अप्रैल से शुरू करना है, कब तक, इसमें हमने आगे कोई समय सीमा नहीं दी। नहीं तो ऐसा भी हो सकता कि 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च 2017 तक तो यही चले, और उसके बाद फिर रेट बदले तो नीचे आके फिर दोबारा रेट ले लेते हैं। हमने क्या यही रहेगा नॉर्मल राउंडिंग मेथड, नॉर्मल राउंडिंग मेथड। तो ये हमने इसका एड्रेस दे दो, उत्तर प्रदेश। हमारे अकाउंट में इस समय कोई पैसा नहीं, एक्सेप्ट करें, हम नया खाता खोला हमने। अब हम इसमें ट्रांजेक्शन क्या करें, अकाउंटिंग वाउचर में आके हमने, आज तारीख क्या है, 1 अप्रैल 2016, यहाँ पे भी दिख रही है, बाहर भी दिखती है। तो पहले तो हम F4 कॉन्ट्रा में आ जाएंगे। अगर ये सिंगल एंट्री मोड में नहीं करना चाहते हो तो F12 दबाएंगे। यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रा को नो कर देंगे। यूज CRDR लेना चाहते हैं 2Y की जगह, तो इसको यस कर लेंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पे CRDR में आ जाएगा और ये डेबिट क्रेडिट में आ जाएगा। कैश डिपॉजिट कर रहे हैं हम 5 लाख रुपए, देना रहेगा, ठीक है ना। डिपॉजिट इनटू देना बैंक, ठीक है। अब हमने ये डिपॉजिट कर दिया, अब हम देखना चाह रहे हैं, कि हमारा ब्याज कितना बना। तो हम डिस्प्ले में आ जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट DS, आई से इंटरेस्ट और रिसीवेबल। अब यहाँ पे हमें एक टाइम देना पड़ेगा, कब तक के लिए पीरियड लेना पड़ेगा। पीरियड जैसे हम चाह रहे हैं अप्रैल मई जून, तो 1 जुलाई तक देखना चाह रहे हैं, 1/7/16। तो ये बता रहा है 13,712 रुपये। एंटर मारेंगे, बैंक ग्रुप आ गया, और एंटर मारेंगे देना बैंक, और आगे आएंगे ब्याज। अब इस ब्याज को क्या करना चाह रहे हैं, हम इसके खाते में भजाना चाह रहे हैं कि ये ब्याज की हम एंट्री करेंगे, ये तारीख को इसके खाते में भजाना। तो इसके लिए हमें कुछ वाउचर क्लास बनानी पड़ेगी। तो वाउचर क्लास कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम अकाउंट इन्फो में आ जाएंगे, वाउचर टाइप अल्टर करेंगे हम डेबिट मोड। इसमें आ जाएगा आपका जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ये फीचर यस कर लेंगे इसमें, इंटरेस्ट अकाउंटिंग, और ये भी यस कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसमें साथ ही साथ एक लेजर भी बना लेंगे, इंटरेस्ट अर्न। इंटरेस्ट अर्न का लेजर है इसमें, तो हम इसको वैसे ही छोड़ देंगे।